आज के टाइम पे लड़कियां ऐसे पेंटी का यूज़ करती हैं जिसमें उनका जो पिछवाड़ा है वो पूरा का पूरा साफ दिखता है, ओपनली स्पष्ट होता है। तो ऐसे पेंटी का यूज़ क्यों करती हैं लड़कियां आजकल, और इस टाइप की पेंटी अगर वो यूज़ करती हैं तो क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसके बारे में ही हम फुल डिटेल बात करेंगे। इस टाइप की पेंटी को कहते क्या हैं, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा नाम है कविता सिंह और आज हम बात करना चाहेंगे थॉट पेंटी के बारे में, मतलब थॉट पेंटी है क्या, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो देखो, थॉट पेंटी एक उस टाइप का पेंटी होता है जिसमें आगे से छोटा सा कपड़ा रहता है और नीचे में, मतलब पीछे साइड से एक लेस या एक रस्सी के टाइप का बना होता है जो कि दोनों कमर के साइड में बंधा हुआ होता है। ठीक है, इस टाइप की पेंटी को ही थॉट पेंटी कहते हैं। तो इस टाइप की पेंटी लड़कियां अधिकतर पहनना क्यों पसंद कर रही हैं? देखो, आज के टाइम में लड़कियां बॉडी कॉन ड्रेस पहन रही हैं या बॉडी से पूरा चपका हुआ ड्रेस पहन रही हैं, है ना, जींस पहन रही हैं। तो इस टाइप का जब वो ड्रेस पहनती हैं जो, तो पेंटी जो है उसका जो लाइन है वो किनारे किनारे से दिखने लगता है, विजिबल हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, इन सबको छुपाने के लिए इस टाइप के पेंटी का यूज़ करती हैं जो कि सिंथेटिक होता है और बहुत ही ज़्यादा वो लेस के द्वारा बनाया हुआ होता है। सिंथेटिक भी होता है और एक लेस होता है, ठीक है, जो कि आपकी वजाइना के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके नुकसान के बारे में, क्या क्या नुकसान हो सकता है। ठीक है, देखो, अगर आप थॉक पेंटी का यूज़ करते हो ना तो इसको कभी कभार यूज़ करो, स्पेशल मोमेंट होता है, स्पेशल आप कहीं पे जा रहे हो तो ही इसका यूज़ कीजिए, या इस टाइप के ड्रेस पहने हैं तो ही इसका यूज़ कीजिए, घर आके तुरंत ही चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि ये एक स्टाइलिश पेंटी होता है, सिंथेटिक पेंटी होता है, इसका जो फैब्रिक है वो पूरी तरह से सिंथेटिक होता है। ये आपके जैसे उसमें नमी है ना उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा सकता है, पसीने को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है, उसको सोख नहीं पाता है। ठीक है, जिससे आपकी वजाइना को काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो अधिकतर डेली यूज़ में आपको कॉटन का जो पेंटी है उसको यूज़ करना चाहिए। कभी कभार आप इसका यूज़ करते हैं तो चलो ठीक है, नहीं तो इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि ये आपके वजाइना को कैसे प्रभावित करता है, ये जो पेंटियाँ होती हैं सिंथेटिक पेंटी, ये आपके वजाइना को कैसे वो करती हैं, प्रभावित करती हैं। तो इसमें सबसे पहला चीज़ है आपका जो पीएच लेवल होता है ना उसको बिगाड़ देती हैं, क्योंकि ये जो सिंथेटिक कपड़ा जो होता है ना, इसका जो फैब्रिक होता है वो पूरी तरह से सिंथेटिक होता है, और जिससे जो हवा है वो पास नहीं हो पाता है, जिसके चलते बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है, पीएच लेवल ख़राब हो जाता है आपकी वेजाइना का। दूसरा चीज़ है, आपकी वेजाइना का एक गंध है, ठीक है, स्पेशल एक गंध है, जो जो कि आपका जो पेंटी है, थॉक पेंटी है, उसका फैब्रिक ही सिंथेटिक है, अलग मटेरियल से बना हुआ है, जो कि आपकी वेजाइना का जो गंध है उसको दुर्गंध में बदल देता है इस फैब्रिक पेंटी के चलते। तो ये दूसरा चीज़ है। तीसरा चीज़ है, आपको इचिंग हो सकती है, रैसेस पड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये हवा को पास नहीं कर रहा है। दूसरा चीज़ है, कॉटन का नहीं है, कॉटन का अगर रहे तो वो आपके पसीने को या फिर वहाँ जो मॉइस्चर है उसको सोख लेगा, ठीक है, जिसके चलते आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, इचिंग नहीं होगा। तो वो क्या करता है, ये बिल्कुल ये काम नहीं कर पाता है जो कि कॉटन का पेंटी कर पाता है, तो इसके चलते आपको इन्फेक्शन हो लास्ट सकता है। चीज़ है, बैक्टीरिया को फैला सकता है। ये जो थॉक पेंटी होता है, ये पतला लेस जो इसका फैब्रिक होता है, ये आपके एनस के जो बैक्टीरिया होते हैं उसको वेजाइना तक ला सकते हैं, जिससे आपको वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर वेजाइना के जो बैक्टीरिया हैं वो एनस तक जा सकते हैं, जिससे आपको इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस टाइप के पेंटी का यूज़ करना कम कीजिए, है ना, ये देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, है ना, तो इस टाइप से काफ़ी लोग लुभा जाते हैं इससे और इसका यूज़ करने लगते हैं अपने डेली लाइफ में। लेकिन यहाँ पे अगर आपको अपनी वेजाइना का ध्यान रखना है, उसके हेल्थ को ध्यान रखना है, तो आपको क्या करना है, हमेशा डेली यूज़ में कॉटन की पेंटी का ही यूज़ करना है। इस टाइप की पेंटी केवल दिखावे के लिए अच्छा लगता है, और जैसे आप बॉडी कॉन्ट्रेस पहन रहे हो उस टाइम के लिए ही अच्छा रहेगा, डेली यूज़ के लिए नहीं। तो कभी भी आप इस टाइप की पेंटी का यूज़ कर मत कीजिए, नहीं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आप कॉटन का पेंटी यूज़ कीजिए जिसमें आपको पसीना भी होता है उसको सोख लेगा, हवा भी पास हो जाता है, आपको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होता है। आई होप हमारी बातें समझ में आई होगी। ये वीडियो लड़कियों के लिए है तो लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। मिलते हैं ऐसी कुछ और वीडियो के लिए, और वीडियो में। ओके, बाय।